बहुत ही बढ़िया फिल्म, बाला साहब ठाकरे का तो जो पिक्चर है तो बहुत बढ़िया फिल्म। बहुत जबरदस्त एक्टर, ऐसा लगे कि बाला साहब ठाकरे जैसे रोल किया, बहुत बढ़िया रोल किया। बहुत अच्छा, जैसे बाला साहब जिंदा जिंदा उसने ये कर दिया, जिंदा बताया उसने बाला साहब के, जितना भी छोटा छोटा भी चीज उसने क्या चप किया है। मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से आया हूँ, जो इंडिया का एक पार्ट है, बहुत दूर है आइलैंड। मैं मुंबई आया था कुछ काम से, और मुझे जब मैंने देखा ठाकरे का होर्डिंग्स लगा हुआ था, बाला साहब ठाकरे, इनके बारे में हमने सुना था कि मुंबई के वो मतलब बॉस है, तो इतना खुशी है कि हमें ये मौका मिला फर्स्ट टाइम कि मुंबई में और पिक्चर आज रिलीज़ हुआ है। तो हमारे सारे फ्रेंड आए हैं मुंबई अंडमान से, ये मूवी अभी देख के जाएंगे, और कन्फर्म है हमें पता है कि मूवी बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि मुंबई का अगर दिल से किसी को पसंद करता था, बाला साहब ठाकरे को पूरा मुंबई पसंद करता है, और वो मुंबई के लिए दिल से बहुत कुछ किया उन्होंने, तो इसलिए हम ये मूवी देखने आए हैं। जिन सिद्दीकी का तो कोई जवाब ही नहीं है, पहले भी उन्होंने किया है बहुत सा काम, और उनका एक्सपीरियंस और उनका काम हमने देखा है, और इस बार भी हमें पता है मूवी देखने के लिए बात भी हमें पता है कि उसका बेस्ट ही काम होगा, और ये बहुत ही अच्छा काम किया होगा उन्होंने। बहुत, आपको बता रहा हूँ ना कि मैं मुंबई का नहीं, मुंबई से बाहर से आया हूँ, अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ से 1700 किलोमीटर बाई एयर जाते हैं हम लोग सवाई सिर्फ, तो वहाँ से सिर्फ ये मूवी के लिए, मतलब कि आज हो रहा है तो मुंबई में देखूँ ये मूवी, जहाँ पे बाला साहब ठाकरे जी का जन्म हुआ, उनके घर भी गया था मैं, जाके मैं मिला था परसों, मतलब उनके घर पे लोगों से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मूवी बहुत पॉजिटिव है, ठाकरे साहब के जो विचार है वो सब तक पहुँचाने का ये जो प्रयास है बहुत ही अच्छा है, उमदा है। मैं खुद शिवसैनिक हूँ और मैं प्राउड हूँ कि मैं शिवसैनिक हूँ, और हर एक नौजवान जो आज की तारीख में पूरे देश में है, ये विचार उन तक पहुँचेगा, ये मैं आशा करता हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ठाकरे साहब को मैं भी पर्सनली बहुत टाइम मिला हूँ, तो मुझे लगा कि वो उस लेवल तक पहुँचे हैं। 10 out of 5, यस, बिकॉज बहुत ही अच्छी पिक्चर बनी हुई है, मुझे लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी ने एक पिक्चर देखनी चाहिए। बहुत अच्छा मूवी बनाई है, कि हम तो बाला साहब ठाकरे को जानते हैं थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ देखने के बाद उनका जो एक स्वभाव था, करारीपन था हिंदुस्तान के लिए मर मुटने का, वो यहाँ दिखता है। और एक अच्छी बात क्या है कि नई जो पीढ़ी है, नई युवा है, उनको ये पिक्चर देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि हिंदुस्तान के लिए कुछ तो करना चाहिए। नवाजुद्दीन ने तो बहुत अच्छा काम किया है, जो बाला साहब का करारीपन है या उनका एक जो अलग ही ढंग का ये था, वो हिसाब से उन्होंने अच्छी तरह किया है। गाना भी अच्छा हुआ है, एक्चुअली ये पिक्चर में गाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, लास्टली क्या बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को देखने के लिए? नहीं, सबने ये फिल्म देखना चाहिए। ये फिल्म ऐसा नहीं, हमेशा फिल्म आती है वैसा नहीं है, ये फिल्म यानी कैसे है कि बाला साहब ने कुछ देश के लिए किया है, या देश जो है आगे चलना चाहिए अच्छी तरह, उसके लिए जो उनका है, या आजकल जो जातिवाद चलता है सब, उसके बारे में भी ये पिक्चर में बहुत अच्छा बताया है। जो जितना स्टार रहेगा उतना देंगे हम लोग। बहुत बढ़िया, नवाजुद्दीन का साहब ने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, हम तो बहुत बचपन से साहब को देखते आए हैं, सब मीटिंगें हमने अटेंड की है, तो उस वक्त कैसे बात करते थे लोगों से, ये सब चीज़ उन्होंने बिल्कुल सही निभाई है, बहुत अच्छा लगा। कथा भी इतनी अच्छी, जो बिल्कुल रुकती नहीं है, फिल्म कहीं चलते जा रहे, मतलब अच्छा पिक्चर, बहुत अच्छी बनाई है, कथा अच्छी है, काम बहुत अच्छा है, और लोगों में एक अच्छा संदेश बाला साहब के बारे में जाएगा, जो एक भ्रम साहब के बारे में जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बाला साहब जी सामने हमारे, नवाजुद्दीन साहब का जो काम है, मतलब पूरा उन्होंने अपने आप में बाला साहब जी को पूरा अंदर से वो काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत गलत भ्रम है, जैसे कि अभी पिक्चर में दिखाया, जो सही सही बात है, ये पिक्चर एक सत्य घटना के ऊपर आधारित फिल्म है, जिससे लोगों को के सामने मैसेज आएगा, जैसे कि घर में नमाज पढ़ने देना, लोगों को मदद करना, कोई जाति धर्म इसके बारे में बात नहीं करना, कोई भी पीड़ित है वो कोई भी जाति धर्म का हो उनको मदद करना, अगर अपने आदमी भी गलती करते हैं तो उनको भी डांटना, ये सब चीज़ उसमें बताइए,
लोगों को अच्छा मैसेज जाएगा। गाने तो जिस तरह से साहब के पिक्चर में होने चाहिए, जो मराठी संस्कृति है वो तो संस्कृति को ख्याल रख के अच्छे गाने बने। फाइव में से कितने स्टार देना चाहेंगे? फाइव। चित्रपट अतिशय उत्तम बनवलेला आहे, संजय राऊत साहेबांचे त्याबद्दल आभार। त्याचप्रमाणे या चित्रपटाचे दिग्दर्शक जे आहे अभिजित पानसे यांनी अतिशय चांगलं सुरेख दिग्दर्शन दिलेलं आहे। आणि हा पिक्चर पाहताना असं वाटतं की त्या घटनेचे आपण साक्षीदार आहोत आणि आपण साक्षात बाळासाहेबांना समोर अनुभवतो असं एक फिलिंग हा पिक्चर बघताना येतो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन्होंने अच्छी तरह से ये किरदार निभाया है और कहा भी पर नहीं लग रहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, साक्षात बाला साहब नज़र आ रहे हैं, यानी उन्होंने इतनी अच्छे तरह से इस किरदार को बखूबी निभाया है। कितने स्टार देना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूँ 5 स्टार, और 5 स्टार से भी ज़्यादा रहेंगे तो वो भी दे सकता हूँ, लेकिन जो मर्यादा है आपकी 5 स्टार तो 5 स्टार। बढ़िया मूवी, बहुत ही बढ़िया मूवी की है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो रोल किया था ऐसा लगता है कि डिप्टी अभी भी बाला साहब ठाकरे जिंदा है, और जिंदा है तो हमको देख के बहुत बढ़िया खुशी हो गया। ऐसा लगा कि हमको बाला साहब ठाकरे को ही मिला, ऐसा हमको लगा। बस जो भी बताया वो सही बताया, जो बाला साहब ठाकरे ने जो बनाया शिवसेना उनके बारे में जो बनाया ना, वो रियली ऐसी हकीकत में है कि बहुत ही अच्छा बनाया गाना। ये फिल्म है तो नहीं, एक राजनीति के ऊपर ये मूवी है, और फिर ऐसा कोई पिक्चर नहीं है कि नाचने वाला फाइटिंग वाला ऐसा पिक्चर नहीं है। एक ही अच्छा सही बाला साहब ठाकरे की स्टोरी है, तो बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। 5 में से तो 4 तो देंगे, 4 तो जरूर देंगे। अच्छी बनी है पूरी, बाला साहब ठाकरे की पूरी हिस्ट्री जो बताई गई है बहुत अच्छी तरह से बताई गई है, और पूरा मतलब जो उन्होंने इतने अच्छे काम किए, अभी नए पीढ़ी को मालूम पड़ेगा कि कैसे काम किए हैं, क्या है, बहुत अच्छी तरह से काम किए, बहुत अच्छा एक्टिंग किया, सेम पूरा डिक्टू बाला साहेब ठाकरे। हिंदुत्व के बारे में जो एकता बताया गया है साहब ने जो बोला है बहुत अच्छा बोला है। शिवसेना इतने सालों से जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसके बारे में बताया गया, और शिवसेना जिंदा पार्टी। 5 में से कितने स्टार देना चाहिए? 5 में से 5।